हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस TPS स्विच के बारे में, या TPS सेंसर कह लीजिए या TPS स्विच कह लीजिए। वैसे TPS की फुल फॉर्म होती है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। तो थ्रोटल, अगर आपको नहीं पता है तो थ्रोटल हम बोलते हैं हमारे एक्सेलरेटर को। एक्सेलरेटर जब हम खींचते हैं तो थ्रोटल की जो पोजीशन है वो आगे पीछे होती है। थ्रोटल हमारा एक बटरफ्लाई वाल्व रहता है। बटरफ्लाई वाल्व जो है वो लगा रहता है हमारे कार्बोरेटर में, गोल गोल सा। तो उसकी पोजीशन को सेंस करने के लिए ये यहाँ पे रहता है। आपने देखा होगा कई बार, अभी मैंने सीट और टैंक दोनों निकाल रखे हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कई बार यहाँ पे सीट के नीचे कि जब भी आप एक्सेलेटर को घुमाते हैं, जैसे कि मैं अभी एक्सेलेटर घुमा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो TPS स्विच जो है वो आगे पीछे हो रहा है, और एक यहाँ पे हमारा कार्बोरेटर जो है वो आप देख सकते हैं वो साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहे हैं। वो काम कैसे करते हैं, अब यहाँ से तो हमारी वायर जो आती है वो सिंगल आती है, जो भी यहाँ से आती है, इस पॉइंट पे आके हमारी जो वायर्स हैं वो डबल हो जाती है। देखिए, ये एक वायर ये है जो नीचे की तरफ जा रही है, और एक वायर ये है जो ऊपर जाके सीधा इस स्विच में चले जाती है। तो आपके मन में बहुत बार आता होगा कि यार ये स्विच किस लिए होता है और हम किस लिए इसको काम में लेते हैं। तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है वो थ्रोटल की पोजीशन को सेंस करके और इग्निशन का सिग्नल भेजता है आगे, TCI या फिर जो भी इग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा बुलेट जो है वो कम स्पीड में चल रहा होता है, तब टाइमिंग जो है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होती है। जब इग्निशन होनी है तभी, मतलब स्पार्क हमें चाहिए। और जब हमारा बुलेट जो है वो तेज़ चल रहा होगा, मान लीजिए कि थ्रोटल पूरा का पूरा खुला है, तब हमें जो हमारी टाइमिंग है वो एडवांस में चाहिए होती है, ताकि फ्यूल जो है वो अच्छे से बर्न कर सके और एवरेज जो है वो ज़्यादा हो और पिकअप भी ज़्यादा हो। इसके लिए यहाँ पे रहता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जैसे ही इसने सेंस किया कि थ्रोटल जो है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा खुल रहा है, वैसे ही जो है TPS अपने जो RPM वगैरह है या फिर अपना जो इग्निशन को सिग्नल भेजने का जो काम है वो तेज़ कर देती है। क्योंकि जैसे जैसे RPM बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो हमें जो टाइमिंग है वो एडवांस में चाहिए, ताकि पिकअप और एवरेज जो है वो अच्छे से आ सके। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको नॉलेजेबल लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू नो, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।